ये भी काफ़ी कैंडिडेट ने जिन्हों का 6th सैम का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उन्होंने किसी पिछले सैम चो री अपीयर है, उन्होंने री इवेलुएशन भरिया है। राजे ये री इवेलुएशन का जे जल्दी यूनिवर्सिटी कर देती है जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, श्योर नहीं है कि प्रोसीजर किन्नी जल्दी एग्जामीनर दो दिते जाते हैं, वो स्कोर लाते हैं, उस स्कोर का जोड़ा है एवरेज लग जाता है ना, सो मान लो एवरेज लग गया तो वो जो ये रिजल्ट बन जाता है तुहाडा उदो तुसी कॉन्फिडेंशियल लै सकते हो जल्दी जल्दी। जे तुसी असल विच सैकेंड ते थर्ड काउंसलिंग तक तुहाडा रिजल्ट आ जाता है कॉन्फिडेंशियल लै लेंदे हो तो तुहाडी एडमिशन हो जाएगी। होर अंदरला नुकता है, दसन वाली गल नहीं है, वैसे स्टूडेंट रिटर्न यूनिवर्सिटी नूं जानी हुंदी है, प्राइवेट कॉलेज कर लेंदे ने कि स्टूडेंट रिटर्न हजे जानी है, तुसी टेस्ट दिता है, स्टूडेंट रिटर्न जाण तो पहला जे तुहाडा एग्जाम रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाता है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में तुहानूं एडमिशन मिल सकती है, क्योंकि उन्हां दी सैटिंग हुंदी है। एंट्रेंस क्लीयर है उदा, प्लीज़ सर ये दस दो कि रिजल्ट तो बिना वेटिंग च एडमिशन एडमिशन हो सकती है। मैं पहला ही एडमिशन जो जो रिजल्ट आया और इवैल्यूएशन का एडमिशन हो सकती है, मीन के पहला एडमिशन हो जाए जो रिजल्ट आए तो इवैल्यूएशन का उदों सबमिट करवा दईए असी। वैसे उन्होंने पक्का यकीन है कि वो मार्क्स आएंगे, उन्होंने सारे पेपर फिल किए से 5th सैम चो, प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दियो जी, ये साड़ी बहुत हेल्प हो सकती है जी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नू वगैरह मेल पानी पैनी है। देखो मैं जो पिछे दस आया हाँ उसको एक्सटेंड कर रहा हाँ। दूसरा ये सोचता तो पक्का यकीन है कि जेडे तुहाडे है मान लो 60% मार्क्स बनने हैं, है ना, तुसी ये कर सकते हो कि 5th वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन वाले कॉलेज नू तुसी कॉन्फिडेंस लैके ये कर सकते हो, पर मैं हजे उस बारे नहीं गाइड करांगा क्योंकि हजे सैकेंड काउंसलिंग पई है, तुसी सैकेंड काउंसलिंग की वेट करो, उस तो बाद थर्ड काउंसलिंग ओपन है, उदों भी तुहाडा रिजल्ट आ सकता है, कॉन्फिडेंशियल लै सकते हो, जो इलाज मैं पिछे दस्या उही चलेगा, है ना। लास्ट स्टूडेंट रिटर्न, थैंक यू।